हेलो दोस्तों, मंजूस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आलू के कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू के कोफ्ते बनाने के लिए आलू को बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने के बाद इसका छिलका निकाल लिए हैं। तो चलिए आलू के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए आलू कद्दूकस हो गया है। अब इसमें हाफ चम्मच नमक डालेंगे, हाफ चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ चम्मच चाट मसाला, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर। देखिए ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड को पीस लिए हैं। अब इसमें 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। दो चम्मच अरारोट पाउडर डालेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से डालेंगे। अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, इसलिए 1 चम्मच अरारोट पाउडर और 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। आलू चिपचिपा रहेगा तो फ्राई करने टाइम ये तेल में फट जाएगा। आलू को हमें डो फॉर्म में लाना है। देखिए डो बन गया है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें काजू फ्राई कर लेना है। देखिए काजू फ्राई हो गया है। अब आधा काजू निकाल लेंगे। अब इसमें 2 सूखा लाल मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे, टमाटर में थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे हमारा टमाटर जल्दी गल जाएगा। देखिए टमाटर गल गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। देखिए फ्राई किए हुए काजू लिए हैं, इसे काट लेंगे, एकदम बारीक चॉप कर लेना है। कटा हुआ काजू 1 प्लेट में डालेंगे। अब इसमें किशमिश डालेंगे, पनीर डालेंगे, पनीर को हाथों से ही छोटे छोटे पीस में तोड़ कर डाल देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, एकदम हल्का नमक डालना है। 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सभी को मिला लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। अब 1 चम्मच अरारोट पाउडर लिए हैं, इसे हाथ में लगा लेंगे, इसे आलू हाथ में चिपकेगी नहीं। अब इसे कटोरी सेप देंगे। 1 छोटा चम्मच पनीर लेकर इसका स्टफिंग करेंगे। देखिए अब इसे बंद कर लेंगे। देखिए अब हाथ में इसे गोल गोल घुमाकर इसका बॉल बना लेना है। फिर से थोड़ा सा आलू लेंगे, ऐसे कटोरी सेप देंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच पनीर भरेंगे। देखिए अब इसे बंद कर देंगे। पनीर की जगह आप आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन पनीर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे घुमाते हुए छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इसी तरह से स्टफिंग करके हमें सारे बॉल तैयार कर लेने हैं। देखिए सारा बॉल तैयार हो गया, टमाटर भी ठंडा हो गया है। अब इसे पीस लेते हैं। देखिए टमाटर का स्मूथ पेस्ट बना लिए हैं। अब इसे साइड में रखते हैं। देखिए इंडक्शन पर तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, तेल गर्म हो गया है। अब सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। सारे बॉल्स को तेल में डालते जाएंगे। अब कोफ्ते को उलट पुलट करके इसे फ्राई कर लेंगे। हमें एकदम गोल्डन फ्राई करना है। देखिए दोनों साइड से उलट पुलट कर लेना है। देखिए सारे कोफ्ते को पलट लिए हैं। कोफ्ता फ्राई हो गया है। अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। देखिए सारे कोफ्ते को तेल में डाल दिए हैं। अब इसे उलट पुलट कर हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। देखिए अब सारे कोफ्ते निकाल लिए हैं, हमारा सारा कोफ्ता फ्राई हो गया है। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। देखिए उसी कढ़ाई को फिर से रख लिए हैं, तेल ज़्यादा था
इसलिए निकाल लिए हैं। एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटक गया है। दो तेज पत्ता को तोड़ कर डाल देंगे। खारा गरम मसाला लिए हैं, चार छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, सभी को तेल में डाल देंगे। दो सूखा लाल मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज भी तेल में डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। देखिए प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, अब एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी प्याज के साथ भून लेना है। इसे अदरक लहसुन का कच्चा स्वाद निकल जाएगा। देखिए अदरक लहसुन भी भून गया है, अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अब एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, सभी मसाले को भून लेंगे। मसाला भून गया है, अब इसमें पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। देखिए पेस्ट वेस्ट ना हो, इसलिए इसमें पानी डालकर हिलाकर डाल देंगे। देखिए अच्छी तरह से मिलाकर डाल दिए हैं, अब इसे मिला लेंगे। देखिए आधा कप पानी और डाले हैं, टोटल 1 कप पानी डाले हैं। अब इसमें दही डालेंगे, दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ग्रेवी में उबाल नहीं आया, ठंडा है, इसलिए दही डाल देते हैं। गर्म में डालने से दही फट सकता है। देखिए 2 चम्मच दही डाले हैं, दही को मसाले के साथ मिला लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसमें उबाल आने पर ही नमक डालेंगे। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, चीनी से ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसे मिला लेंगे, मिलाने के बाद 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, इसे हथेली से क्रश करके डाल देंगे। अब इसे मिला लेंगे, अब इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारा ग्रेवी तैयार हो गया, अब इसमें फ्राई किए हुए सारे कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद इंडक्शन को ऑफ कर देंगे। कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसे उबालना नहीं है, उबालने से ये टूट जाएंगे। कोफ्ते के ऊपर से ग्रेवी डाल देंगे। देखिए हमारा आलू का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ता बना है दोस्तों, आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।